बिहार बीजेपी में बड़ा बदलाव हुआ है। सम्राट चौधरी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। संजय मयूख ने इस बात की सबसे पहले जानकारी दी। भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेता और बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष माननीय सम्राट चौधरी जी को बिहार भारतीय जनता पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया है। वहीं इससे पहले संजय जायसवाल इस पद पर थे। बता दें कि सम्राट चौधरी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी से बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं और नेता विरोधी दल भी हैं। सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश के पूर्व उपाध्यक्ष भी रहे हैं। सम्राट चौधरी बिहार सरकार में 1999 में कृषि मंत्री और 2014 में शहरी विकास एवं आवास विभाग में मंत्री रह चुके हैं। राजनीतिक परिवार से संबंध रखने वाले सम्राट के पिता शकुनी चौधरी 7 बार विधायक और सांसद भी रह चुके हैं और इनकी माता पार्वती देवी भी तारापुर से विधायक रह चुकी हैं। वहीं सम्राट चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनने की संभावना पहले से ही जताई जा रही थी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तत्काल प्रभाव से सम्राट चौधरी को बिहार का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। बिहार भाजपा की में बड़ी खबर आ रही है, हमारे साथ संजय मयूख हैं। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं सम्राट चौधरी, क्या खबर है बताइए। भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष श्री सम्राट चौधरी जी को बिहार भाजपा का नया अध्यक्ष मनोनीत किया है। ये पार्टी के लिए खुशी का विषय है, पार्टी के कार्यकर्ता आज बहुत आह्लादित हैं। देखिए ये बड़ी खबर है बिहार से, बिहार भाजपा के लिए बड़ी खबर है, जहां पर बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। इस बात की घोषणा पार्टी के MLC संजय मयूख ने की है। ये बड़ी खबर है इस वक्त के लिए बिहार भाजपा से, जहां सम्राट चौधरी को भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। कैमरामैन दीपक के साथ अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।